बिग बॉस ओटीटी प्लेटफार्म के विनर एलविस यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर उन पर FIR दर्ज किया है और काफ़ी सारों पर FIR दर्ज करने के बाद उनका नाम भी सामने में आया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एलविस यादव का नाम भी बीच में शामिल है। अब इस मामले में बीजेपी की सांसद, भाजपा की सांसद मेनका गांधी की प्रतिक्रिया भी शामिल है और उन्होंने बताया कि कानून के मुताबिक 7 साल की जेल है और वो अपने TRP के लिए ऐसे करते हैं। आजकल TRP के चक्कर में उनका जो वीडियो कंटेंट है वो अजीब होते जा रहे हैं। हम आपको बीजेपी सांसद मेनका गांधी का भी सुनाएंगे कि वो क्या कहने कहा जा रही है। धन्यवाद। उनको उनके लोगों को पकड़ा, ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है YouTube पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, Schedule 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम, तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपो के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत